वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका चैनल में फिर से। तो आज हम बाहर जाने वाले हैं और साथ में कौन है देखो। हेलो गाइस। तो आज हम मतलब विक्ट्री डे यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तो विक्ट्री डे मतलब वो देखने जा रहे हैं, आपको दिखा भी देंगे कैसे सेलिब्रेट होता है। वैसे ये मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब देखने जा रहा हूँ, इससे पहले भी मतलब लास्ट ईयर तो हुआ ही नहीं था उतना बढ़िया से, क्योंकि कोरोना के वायरस की वजह से। तो अभी देखते हैं, अभी जाने वाले हैं तो थोड़ी देर में क्या कैसे दिखता है। ये देखो नोबो कैसे सज धज के यहाँ पे खड़ा है। हाय गाइस, आज हम लोगों का विक्ट्री डे देखने देख जा रहे हैं उधर। बस वही बस वही। और अब मौसम देख सकते हो, मौसम बढ़िया से लग रहा है, मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं कुछ नहीं, तो भी मतलब यहाँ का कोई ये नहीं कर सकते हम एक्सपेक्ट कि बीच में ठंडी भी पड़ सकती है, इसलिए अपना जैकेट वगैरह साथ में पहन के चलो। अभी तो सही है एकदम से, थोड़ी थोड़ी धूप और ठंडा ठंडा भी लग रहा है। तो चलो वहाँ जाके अभी आगे की बातें बताएंगे। देख सकते हो कि बीच में सारे इधर उधर फ्लैग दिख रहे हैं बढ़िया से, और ये सारे लोग जो मतलब भीड़ भाड़ दिख रही है आपको, वो सारी भीड़ भाड़ वही जा रही है कि ये जो सेलिब्रेशन है विक्ट्री डे या फिर पोबेदी दिन बोलते हैं इसको, तो ये सारा देखने के लिए ये लोग उधर ही जा रहे हैं। तो पहले तो अभी हम वहाँ जाएंगे सामने। बीच में ज़रूरी सूचना गाइस कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हो तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी मास्क लगाया, आप देख सकते हो। और अगर हो सके तो ऐसे जगह पे जाओ ही मत, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका उसको फॉलो करो बस। तो चलो बाकी देखते आगे। आप भीड़ भाड़ देख सकते हो और आगे के क्या बोले प्रिपरेशन या फिर वो सेलिब्रेशन का वो सब देख सकते हो, कितने सारे फ्लैग्स वगैरह फूल वगैरह ये सारा दिख रहा है यहाँ पे, ये भी दिखाएंगे सब आपको। चलो अब ये ग्रीन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे फ्लावर्स वगैरह रखे हैं यहाँ पे। और ये देख सकते हो ऐसे दो लोगों की यहाँ पे एक क्या बोले ड्यूटी टाइप एक लगी है कि उन्हें दिन भर यहाँ पे खड़ा रहना होगा शायद। बाकी भी इधर उधर देख सकते हो। यहाँ पे भी देख सकते हो आपकी पूरा एकदम वहाँ पे फ्लावर्स और मोमबत्ती वगैरह जलाई, और वहाँ पे आग तो मैंने बताया था कि वो जो शहीद हुए थे सारे जवान उनकी याद में या फिर उनके लिए यहाँ पे ये आग कंटिन्यू चलती है। और यहाँ पे दो लोगों की मतलब यहाँ पे भी देख सकते हो कि ड्यूटी टाइप लगी हुई है, वो कंटिन्यू वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ पे एक बंदा आप देख सको तो वो अपने फ़ोटो लगा रहा है किसी की, शायद उनका कोई उस वॉर में शहीद हुआ होगा। अभी ये तो देख लिया है, अभी यहाँ से अपने को जाना है वहाँ परेड दिखाएंगे, फिर वापस आएंगे इधर हम लोग। छोटी ट्रेन देख सकते हो आप, यहाँ पे बस पहुँचेंगे अभी हम थोड़ी देर में। अब रास्ते पे भीड़ देख सकते हो, काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग सामने चेकिंग भी हो रही है, शायद टेम्परेचर चेक करेंगे। हम कहीं शायद थोड़ा लेट हो गए, वहाँ कुछ आवाज़ तो आ रही है। चलो चेकिंग पोस्ट क्रॉस करके फिर से आपसे क्या होगा, फ़ोन भी रखवाना है यहाँ पे, तो फ़ोन रख देता हूँ मैं। बस उसके अंदर से जाना था, मेटल वगैरह चेक कर रहे और बाकी कुछ नहीं दोस्तों। और यहाँ पे भीड़ देख सकते हो, बाप रे बाप।
चलो अभी एक जगह पकड़ लेते हैं और आपको भी सारा दिखाना है उस हिसाब से। देखो गाड़ी जा रही है, रुक जाओ मैं कोई एक जगह पकड़ लेता हूँ जहाँ से आपको सारा दिख जाए। देख पा रहे हो आप सारे इधर से, ये मतलब आके परेड चल रही है यहाँ पे बढ़िया से, और इधर ये सारे सामने वहाँ तक जा रहे हैं, और भीड़ आप देख सकते हो सारे लोग यहाँ पे, कितने सारे लोग, और बच्चे भी देखो। देखो मैं कहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, बच्चों के साथ बढ़िया से यहाँ पे बैठ गया बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है वीडियो बनाने के लिए बट आपको दिखाना है सारा, इसलिए बैठे बढ़िया। चलो परेड दिखा दो आगे का भी, ये सारे इधर जाने वाले हैं, सामने से वहाँ टर्न है, आगे से वो टर्न लगे वहाँ। अभी देखो ये काफिला आ रहा है सारे गाड़ियों का, इनके भी परेड हो रही है। अलग अलग टाइप के टैंक यहाँ पे देख सकते हो आप, कितने बड़े बड़े हैं ये। भाई साहब ये देखो ये क्या है, इतना बड़ा, बाप रे। एक से बढ़कर एक गाड़ी, मतलब यहाँ पे काफी लगी गाड़ियों का, अलग अलग टाइप के टैंक ये सारे। ये देखो ये टर्न कैसे लगा मुझे समझ नहीं रहा, इतना बड़ा। मशीना मतलब व्हीकल्स होता है यहाँ पे, तो व्हीकल्स जा रही है ऐसे बोल रही है रशियन। पीरियड गए सारा खत्म हो गया शायद यहाँ पे, तो अभी लोग निकल रहे जा रहे। चलो उधर जाके फिर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, इधर भी आप भीड़ भाड़ देख सकते हो। ये हमारे यूनिवर्सिटी का ये कॉर्पस है, तो इधर भी आप देख सकते हो काफ़ी लोग, मतलब पूरे मारियल के और आसपास के छोटे मोटे बड़े शहरों से भी काफ़ी लोग यहाँ पे ये सारी परेड वगैरह देखने के लिए आए थे। उन्होंने सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रखी है बिल्कुल,
वहाँ से सामने से जाने के लिए सारा बंद कर रखा है, इधर से फिर से जाना है, फिर से वो स्कैनिंग वाली मशीन टाइप, मतलब वो जो उससे स्कैनिंग करके अंदर से जाना है। फिर से एक पीरियड चलने लगी है गाइस, वो भी दिखा दो आपको, पास से दिखा सकते हैं इस बार। लोगों को बड़ी खुशी होती है कि अपने ये वाला घर वाला कोई अगर बंदा इसमें हो तो बड़े खुश हो जाते हैं लोग। वैसे वो आंटी का लड़का शायद है उस पीरियड में। Пылинками звезд, и выгнутся ветви утюга. Тебя я слышу за тысячу звезд. Мы эхо, мы долго эхо друг друга. देख रहे फोटो वगैरह खिंचा रहे, मैं भी फर्स्ट टाइम कोई टैंक इतने पास से देख रहा हूँ। देखो आप, देखो ये दोनों भी कितने बड़े हैं। इधर भी एक है, ये तोप टाइप है। बैठ के
जैसे ये तीन रखे हैं यहाँ पे, और इधर आप देख सकते हो ये कॉन्सर्ट यहाँ पे चल रहा था अभी, मैंने जो दिखाया सारा। यहाँ पे बसेस जो लग रही, मतलब यहाँ पे जो लोग गांव से या फिर दूसरे शहर से देखने को आए थे उन लोगों के लिए जाने के लिए फिर से बसेस यहाँ पे लग गई है। अभी हम थोड़ा घर जा रहे हैं क्योंकि बारिश फिर से चालू हो गई, अभी बीच में प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा, फायर वर्स हम देख नहीं पाएंगे जो मतलब फटाके वटाके। नोबो बता। हाँ गाइस, आज मतलब क्या ही बताओ, सारा बारिश ने सारा खत्म कर दिया। यह बारिश का मौसम क्या करे, यहाँ पे मौसम का कुछ ठिकाना नहीं है कब क्या हो जाए, और स्पेशली गर्मी के दिनों में कभी भी बारिश आ सकते है, तो होता है कभी कभी। तो अभी अभी हम घर, अभी से फिलहाल तो घर जा रहे, अब आगे तो आकाश ब्लॉग डाल देगा, आप लोग देख लेना। बस अभी जाके मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी एडिट कर दूँ इसे, बस चलो अब आते हैं घर पे। तो ऐसा कुछ रहा गाइस ये विक्ट्री डे सेलिब्रेशन। तो जब बारिश आ रही थी तो अभी हम घर पे आ गए थे, तो लास्ट वाला जो प्रोग्राम था मतलब जो पटाखे फूटने वाला फायर वर्क्स वाला, वो तो जा नहीं पाए, मतलब बारिश रुक गई थी बाद में, बट उसी वक्त टाइम पे वहाँ पे जाना मुश्किल था, तो हमने वो मतलब वहाँ पे नहीं जा पाए। और ये विक्ट्री डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं ये अगर बताओ तो, वर्ल्ड वार सेकेंड का मतलब एंड जो बोला जाता है वो विक्ट्री डे से ही मतलब होता है, ऐसे बोलते हैं लोग, तो इसलिए ये सेलिब्रेट करते हैं कि जर्मनी ने यहाँ पे सरेंडर कर लिया था, इस कारण ये अपनी विक्ट्री मानते हैं, तो ये ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। तो सारी चीज़ जैसे परेड थी, उसके बाद वो कॉन्सर्ट था एक, गाने वाने का डांस वांस सब अलग अलग दिखाया, वो भी मैंने आपको दिखाया है। और इतना एंड तक देख रहे हो मतलब कुछ तो वीडियो में आपको पसंद आएगा, अगर वीडियो में कुछ तो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बदले अब चैनल में जाके देखो बाकी सारे भी वीडियो, और इंस्टाग्राम के लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो होप करते गए वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।